हमने देखा कि उद्यमिता यानी जोखिम उठाना, लेकिन हर समय जोखिम यानी कि घाटा यानी कि लॉस ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यवसाय है तो उसमें कैलकुलेटेड सा रिस्क होता है, मतलब आप इतना श्रम करोगे तो इतना आपको डिमांड आएगी मार्केट से, इतना आपको मुनाफा होगा। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को परखना है और अच्छा करना है तो व्यवसाय में, उद्यमिता में हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क लेनी ही पड़ेगी। अगर उद्यम में हमें यश प्राप्त करना है, इफ वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन आवर एंडेवर या एंटरप्रेन्योर, वॉट वी शुड थिंक अबाउट, व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म ये उद्यम का मूल मंत्र है ऐसा मुझे लगता है। इसमें क्या क्या आता है, समय अनुपालन, जैसे आपने, आपको जिस चीज की ऑर्डर मिली है और आपसे खरीदने वाले व्यक्ति को जिस समय वो चाहिए उस समय आप अगर उसको नहीं देंगे तो अपने आप ही आपकी बैड पब्लिसिटी मार्केट में हो जाएगी। इसलिए समय अनुपालन ये यशस्विता का पहला मूल मंत्र है। दूसरा है क्वालिटी मेंटेनेंस। जैसे हम टेलरिंग का अभी उदाहरण लिया था, वो करते हैं तो बाजार में रेडीमेड कपड़ों के इतने सारे दुकान हैं, वो क्यों चलते हैं? तो जब हम मार्केट में जाते हैं लेने लिए, आज खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये दुकान बड़ा अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, और कपड़े हम लेके आए तो कभी उसकी सिलाई खुलती नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप अच्छा क्वालिटी खरीदने वाले को दोगे तो वो व्यक्ति ही आपकी माउथ पब्लिसिटी यानी आप आजू बाजू वालों को खुद ही बता देंगे कि इनके पास जाओ, इनके पास जो भी चीज मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तीसरा है आपकी छवि बनाना, मतलब एक इमेज बिल्डिंग आपको करना होगा। ये उद्यम और ये व्यक्ति, इसका जो एक नाते नाता है, वो नाता अगर समाज में बन गया तो आप यशस्वी उद्यमी हो गए ये मान ही चलिए। दूसरा, जो भी हम चीजें करते हैं उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होने की भी आवश्यकता है। हर एक व्यवसाय के कुछ रूल है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, उन नियमों का पालन, अनुशासन, उसके जो भी रिटर्न्स है वो फाइल करना, मानो सर्विस टैक्स का नंबर लेना है, वैट का नंबर लेना है, या फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से आपको लाइसेंस प्राप्त करना है, ये व्यवसाय की जो भी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं पूरी करना ये भी बहुत आवश्यक है। तीसरा है आचार नीति, जिसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। कौन से भी व्यवसाय के जो कायदे कानून है सब लिखे हुए नहीं होते हैं नियमों में, सरकारी नियमों में पूरे कायदे कानून नहीं लिखे होते, लेकिन गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी उसके बारे में काम करने के जो तरीके हैं, वो पहले जिन्होंने उद्यम किए हैं उनके व्यवहार से आगे आगे चलती आती है, उनको बिजनेस एथिक्स कहा जाता है। तो ये एथिक्स का पालन करना ये भी यशस्विता के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसा है। दूसरा, उद्यमिता में के बारे में ये सोचना चाहिए कि थिंक बिग, मतलब आज मैं इतना सा ही कुछ बनाती हूँ फिर भी कल चल के मेरी डिमांड बढ़ेगी, मेरे तरफ से जो बनाई हुई चीज है उनकी संख्या बढ़ेगी और मेरा मुनाफा बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, और इसके आगे मैं जाऊंगी उसके अगले साल और आगे जाऊंगी, ऐसी एक बड़ी सोच हमने रखनी चाहिए। दूसरा है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब अब मार्केट में हम जब जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत बड़ी तेज है, बहुत स्पर्धा का वातावरण है। अगर इस स्पर्धा का मुकाबला हमें उद्यम में करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे इस कतार में हुए चार लोग नहीं सोचते हैं, वैसा मेरा सोचने का तरीका है तो मेरा उद्यम, मेरा एंटरप्रेन्योर पक्का मान चलो कि आप यशस्वी इसमें हो ही जाएंगे।